मिस्टर मैडम की सब्जियों की थैली बहुत अनोखी है। उसमें एक पॉकेट है अनाज के लिए, एक पत्तेदार सब्जियों के लिए, एक फलों के लिए और एक ओ, अब मुझे समझ आया कि उन्हें इस थैली को बनाने का आइडिया आया कहां से। उन्हें यह सुझाव पॉकेट चार्ट से आया। तो चलिए पॉकेट चार्ट के बारे में जानते हैं। पॉकेट चार्ट बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाता है, उनकी रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के लिए है। यह विभिन्न विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सेलोटेप, A4 शीट, पारदर्शी शीट, कैंची। इसे हम ऐसे बना सकते हैं। कक्षा में इसका इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाएं। उदाहरण के लिए यह समानार्थी शब्द या शब्दार्थ के लिए प्रयोग हो सकता है। मेज पर कार्ड के डेक रखें। बच्चों से सभी समानार्थी या सही अर्थ के शब्दों की तलाश के लिए कहें और उसे सही पॉकेट में डालने के लिए कहें। इसका प्रयोग श्रेणियों को समझने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। कहानियों के चरित्र या उसकी पूरी रूपरेखा समझने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। आप देखेंगे कि पॉकेट चार्ट के जरिए चित्र या शब्द को सामने देखने से बच्चों को समझने और याद रखने में मदद मिलती है। कक्षा में गतिशीलता पैदा होती है। यह अधिक आकर्षक होता है क्योंकि बच्चों को अपने दम पर कुछ करना होता है। यह एक खेल के रूप में भी खेला जा सकता है। अगर आपके पास भी हमारे संसाधनों के बॉक्स के लिए कोई नए उपाय हैं, तो द टीचर ऐप को डाउनलोड करें और रिसोर्स कॉन्टेस्ट में भाग लें। आप अपना आइडिया लाखों शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही आप एक स्मार्टफोन भी जीत सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं?